हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस। सो हमने स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर एस्टेट सीरीज़, जिसके अंदर हम मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथ में ही जीके की भी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सो उसमें भी आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी एडिशनल डिटेल भी दी जाएगी और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी। सो अब हम कर रहे हैं 2022 का पार्ट टू, जिसके अंदर 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपको ये 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 620, यानी कि सी आई माइनस एस आई कितना है 620 फॉर 3 ईयर, मतलब टाइम दिया है 3 at 10% पर ईयर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। व्हाट वुड बी प्रिंसिपल अमाउंट, हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा ये। तो सबसे पहली बात, सी आई क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। सी आई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, मतलब रेट बाय 100 की पावर टाइम, टाइम जो है पावर में रहता है। सो अगर हमें निकालना है सी आई, सी आई होगा तो क्या होगा, पी कॉमन ले लेंगे, तो 1 + r/100 पावर टी माइनस 1, ये हमारे पास होगा सी आई। दूसरी बात, एक होगा एस आई, एस आई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब हमने इसको निकालना है, तो एस आई माइनस सी आई क्या होगा, दोनों का पी कॉमन ले लेंगे, पी कॉमन लिया दोनों में से, एक हुआ 1 + r/100 पावर टी माइनस 1, ये तो सी आई के लिए, ये उल्टा लिख दिया सी आई माइनस एस आई है ना, और माइनस में एस आई का जब हमने पी कॉमन लिया क्या बचा, r मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये सी आई का हो गया और ये एस आई का हो गया, दोनों का पी कॉमन ले लिया। अब हम इसमें जो कि है वैल्यू पुट करनी है। अब सी आई माइनस एस आई, इसका कितनी वैल्यू दी है 620, 620 इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100, आर कितना 10, तो 10/100 और पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, माइनस 1 माइनस आर कितनी 10 इंटू टी 3/100, ओके। सो इसको इससे कैंसिल करेंगे, जीरो को जीरो से कैंसिल किया, एलसीएम लेंगे, हमें क्या मिलेगा 620 इक्वल टू पी इंटू एलसीएम लेंगे 11/10 मिलेगा, तो ये पावर 3 है तो 11/10 3 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया 3 × 11/10, माइनस में ये 1 है, माइनस 30/100, ठीक। अब इसको हमने करना है सॉल्व और हमें मिल जाएगा अपना आंसर, ओके। सो हम सॉल्व करते हैं इसे, क्या बना, देखो 11 की 3 टाइम मल्टीप्लाई 121, फिर 121 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 11 से, कितना हो जाएगा 1331, ठीक है, और ये है हमारे पास पी बार कॉमन 1331 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पर 1 है डिवाइड बाय 1000 टाइम का सबका बेस सेम कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1000/1000, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1000/1000, और यहाँ पर एक जीरो है, जीरो नीचे नीचे और कर देंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये हो गया माइनस के 300/1000, ठीक है, और इक्वल में 620 हमारे पास है। इसको सोल्व करो, या 1000 कॉमन है, 1331 में से 1000 गए 331, माइनस में 300 हुए तो कितना बचेगा हमारे पास 31, ठीक है, तो ये बन गया 31 इक्वल टू 620। तो P क्या हुआ, 31 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये होएगा 2/20, ठीक है, ये आया हमारे पास 20, तो P कितना हो जाएगा 20 × 1000 विच इज इक्वल टू 20,000, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया 20,000, ऑप्शन 4 क्या रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 3, 4, 5, देखो 3, 4, 5 अगर होती है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, हाइपोटेन्यूज 5, बेस और ये परपेंडिकुलर कितने हो जाएंगे 3, 4,
ठीक है। सो कह रही है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना 3, हाइट कितनी 4, ये 2, ये हमारे पास आ गया 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर 1। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए, ठीक है। देखो स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अगर स्क्वायर की साइड अगर हम एस माने तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है रूट टू इंटू में साइड, रूट टू इंटू साइड इक्वल क्या होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। ये डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के डायगोनल का। तो स्क्वायर का डायगोनल ये हुआ रूट टू इंटू, मैं साइड को एस मान रही हूँ और डायगोनल ए गिवन है, तो इसका मतलब साइड क्या आई, ए बाई रूट टू आई। फिर कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, यानी कि a by root 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर by 2, यानी कि ऑप्शन 2 जो है 3 इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर यह रेक्टेंगल का डायगोनल होता तो रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर, क्यूब के डायगोनल का होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब रूट्स होएंगे रियल, अगर लेस देन 0 आई तो रूट्स होएंगे अनरियल, अगर इक्वल टू 0 आई इसका मतलब रूट्स होएंगे इक्वल। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट, ठीक है, इक्वल रियल, और लेस देन 0 है नो रियल रूट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, किसने लिखी थी लीलावती, ये क्वेश्चन कई बार एचटेट में रिपीट हुआ है, तो किसने लिखी थी ये, भास्कराचार्य 2, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 आर रिस्पेक्टिवली, क्या बताना है, हमारे पास 96 है और 404 है, इसका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है 2, मैं सिर्फ एचसीएफ के ऊपर ट्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, या तो हमने चेक करना है 2 या करना है 4, अगर 2 के अलावा कोई और ना हुआ तो हमें एलसीएम भी चेक करने पड़ेंगे, अगर 4 हुआ तो हमें और ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। तो देखो कि क्या ये 4 से पूरा डिवाइड होता है, 4 2 8, 4 4 16, 4 ये पूरा का पूरा 4 से ही डिवाइड हो गया, तो 2 पे चेक करने की नीड नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर इज 28, ठीक है, कितने लेने हैं, हमने लेने हैं 3 और उनका सम होना चाहिए 28, 3 इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर हुआ 2x, सेकंड हुआ 2x प्लस 2, थर्ड हुआ 2x प्लस 4, ये हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम हुआ 28। 28 के बाद क्या कह रहे हैं, 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी कि इनकी एवरेज, अच्छा इनकी एवरेज क्या होगी, इनकी एवरेज होएगी इन तीनों का सम, यानी कि 2x प्लस में 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, बाय में 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इनकी जो एवरेज आएगी, ये क्या कह रहे हैं, उनकी एवरेज से 28 मोर है, तो एवरेज कितनी हुई 2 2 4 और 2 6, 6x प्लस में 4 डिवाइड बाय 4 नहीं 2 और 4 6, 6 बाय 3, 3 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे 2x प्लस 2 आया, ठीक है, यानी कि जो एवरेज है वो कितनी आई 2x प्लस 2, तो हम यहाँ पर एवरेज यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन गई है, यहाँ पर हुआ 28 प्लस में 2x प्लस 2, एवरेज की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है, तो ये कितना हुआ 2 2 4 2 6, 6x प्लस में 6 इक्वल क्या है 28 प्लस 2x प्लस 2,
तो यहाँ पर जो ये 2x है यहाँ के माइनस होएगा, 6x माइनस 2x 4x इक्वल टू 28 प्लस 2 30, 30 माइनस में 6 24, x की वैल्यू कितनी आई 6 आई। क्या कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर है 2x, तो 2x मतलब हमें निकालना है इसका डबल, तो ये हुआ 12। अब गलती कहाँ होती है, जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 6 आई आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है आप इस पर टिक कर दोगे, लेकिन इतना सॉल्व करने के बाद दोबारा रिमाइंड करो कि स्मॉलेस्ट नंबर है क्या, 2x लेट किया है मतलब इसका डबल होगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन ईयर इज 25:1। देखो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है, कितने ईयर के लिए, वन ईयर के लिए, कितना है 25/1। देखो P से P हुआ कैंसिल, ये 100 ऊपर चला जाएगा, R मल्टीप्लाई वन ईयर है मतलब T की वैल्यू 1, 25/1 ये कैंसिल हुआ 4 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R की वैल्यू होगी 4, तो क्या कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोविंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो क्या क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ठीक है, यानी कि लघुपद का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, तो इसके अंदर क्या रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तता का सिद्धांत जो कि है अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 4:9। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो हमारे पास वैसे भी देखो स्फीयर का होता है 4πr², ठीक है, तो दो स्फीयर है, पहले के लिए रेडियस 1 मान लो, दूसरे के लिए रेडियस 2 मान लो r² तो इनका रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो दिया है 4:9 दिया, तो यानी कि 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर 4, r2² 9, मतलब r1/r2 क्या हो जाएगा 2/3 हुआ। फिर क्या कह रहे हैं रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम क्या होएगी 4/3 पाई r³, r1³ 4/3 पाई r2³, 4/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि हमें चाहिए r³/r2³, r1/r2 2/3 है तो इनकी क्यूब क्या होगी 2³ 8, 3³ 27, 8:27, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, एवरेज ऑफ 9 नंबर 30 का मतलब है कि x1 प्लस में x2 अप टू सो ऑन xn, यानी कि टोटल xn जो नंबर है उनका सम कितना है 9 × 30, जितने नंबर का होता है उसको उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 270 x1 से लेके x9 तक का सम आ गया। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर यानी कि x1 से लेकर के x5 तक का सम कितना होएगा, 5 नंबर का है तो 5 मल्टीप्लाई एवरेज कितनी 25, तो यानी कि 125 पहले 5 नंबर का सम में, लास्ट 3 नंबर जो है उनका एवरेज कितना 35, यानी कि x7 x8 और x9 ये कितना गिवन है 3 नंबर है, ये इनका दिया है 35 अगर दिया है तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 105। क्या कह रहे हैं देन द सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास x1 से लेकर x9 तक का सम है उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, x6 निकालने के लिए किससे माइनस करेंगे x1 से लेकर x5 तक के सम को, और माइनस में x7 से लेकर x9 तक के यानी कि x8 और x9 तक के सम को, तो हमें क्या मिल जाएगा x6, तो यानी कि 270 माइनस में 125 माइनस 105, ठीक है, तो हमें माइनस करना है कितना बनेगा यहाँ पर 270 5 5 10, ये 10 220 माइनस 220, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर
टू 20 आएगा, सॉरी 5 5 10, यहाँ पर कैरी भी तो आएगा, 230, यानी कि हमारे पास बचा 40। ऑप्शन 3 इसका रहेगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16, यानी कि एच है 16 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस यानी कि आर है 12, देन व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, कोन का कर्व सरफेस एरिया किसका कह रहे हैं, ये कोन, कोन का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहे, कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहली बात, हमें एल चाहिए, यानी कि हमें एल निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये देखो, ये है कोन, कोन की ये दे दी हाइट, हाइट एच, ये रेडियस आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, यहाँ पे ये एल होती है स्लैंट हाइट, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फॉर्म से हम निकाल लेते हैं। तो एल क्या होगा, एल क्या होगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हमारे पास होगा एल। ठीक है, यानी कि 256 प्लस में 144 इट्स अंडर रूट, कितना हुआ ये 400 अंडर रूट, यानी कि एल हमें मिल गई है 20। तो यानी कि ये मैंने लिख दिया L इज इक्वल टू 20। ठीक है, L 20 आई, अब हमने क्या करना है, पाई आर एल वाले फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर देना है, कितना हो जाएगा, पाई कितनी दी है 3.14, तो 314 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सो जीरो से जीरो हुआ कैंसिल, 24 यानी कि 314 की प्रोडक्ट कर देंगे 24 से, और डिवाइड बाय 100 है तो जो भी होएगा पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 4 4 16 एंड 4 1 4 और 1 5, इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं 16 4 4 5 12 8 2 6 6 3 5 7। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आया 7 5, यहाँ पर एक जीरो कट गई थी ना, या जीरो रही थी, तो पॉइंट के बाद एक आएगा, एक ही डिजिट आएगी, तो हमें मिल गया 7 5 3 6। तो यानी कि हमें कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, पहले वो देखो। तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिला 7 5 3 6, यानी कि हमें एक तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, एक थ्री में मिल रहा है, तो टू को क्रॉस कर देंगे और फोर को। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा रहेगा, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो एक बार पाई आर स्क्वायर और निकाल लेते हैं, वो क्या होगा 314 बाय 100, आर कितना 12 × 12, यानी कि 314 की प्रोडक्ट हमें करनी पड़ेगी 144 से, 4 4 16 4 5 एंड 4 से करेंगे हम 12, फिर 1 2 5 6 डबल क्रॉस 314, ये हमारे पास बन गया 6 1 एंड 10 2 3 2 6 2 2 4 5 4, थोड़ी सी मिस्टेक, कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, इसकी अगेन कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या करना है, 314 की प्रोडक्ट 144 से, 4 4 16 5 12 6 5 2 1 एंड 4 1 3 6 1 6, कोई मैच नहीं करता दिख रहा, बनेगा यहाँ 2 4 एंड सॉरी 5 एंड 2, यानी कि हमें मिल गया ये 4 5 2 0.16। तो ये हमें मिला है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, जो हमारे पास 7 5 3 6 आया है, पीछे जीरो लगा दो, 4 5 2 0.16 इसको ऐड करेंगे, ये बन गया हमारे पास
12.05.76, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसका क्या रहेगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके द्वारा किया गया है? जी टी बिशवेल एंड लिनोर जॉन। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे दे देते हैं, एक भी फोर्थ पे आया हुआ था, इसमें सेकंड पे आया हुआ है। सो विच ऑफ द फ्लोमिंग मैक्सिम ऑफ द टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो कौन से जो शिक्षण सूत्र है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है एच चैट के अंदर, तो टीजीटी पीजीटी में काम आने वाले हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए स्केयर बाय बी सी बी स्केयर बाय सी ए स्केयर बाय ए बी क्या होगी? तो देखो हमें है मिला है ए स्केयर बाय बी सी, बी स्केयर बाय सी ए, सी स्केयर बाय ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी से और डिवाइड कर देंगे ए बी सी से, ठीक है। तो मैं अगर 1 बाई ए बी सी अंदर रखूं और ऊपर वाला ए बी सी अंदर ले जाऊं, तो मुझे मिलेगा यहाँ ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। सो ये वैल्यू मुझे मिली है, अगर ए प्लस बी, हमें ये पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3 ए बी सी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया 1 बाई ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या आई 3 ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, आंसर आया 3, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या रहते हैं? तो अगर हमें निकालना हो ईच इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास रहेगा करेक्ट। अगर आ जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो हमारे पास होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180। अगर आ जाए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वो होता है 360। अगर हमें कह दे ईच एक्सटीरियर एंगल, वो होता है 360 बाय एन। अगर हमें कह दे नंबर ऑफ डायगनल, तो वो हमारे पास होता है एन माइनस थ्री डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगनल क्या रहता है, एन माइनस थ्री डिवाइड बाय टू और मल्टीप्लाई बाय होता है एन, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ डायगनल का, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेते चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो भी होंगी उनका सम। इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर, यानी कि ए वन कह दिया 1, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी कि हाइट दे दी 0.8, तो यानी कि 1/2 इंटू 0.8 है, 8/10 लिख दिया। एरिया कितना था 0.88, मतलब 88/100 दे दिया। देन द अनदर पैरेलल साइड मतलब ए टू हमें निकालना है, या 8 को इस पे कैंसिल किया 11, 10 से 10 गई, या पे 2 5 पर गया, तो बचा क्या 11/5 माइनस में 1, ये 1 यहाँ के माइनस होगा, इक्वल टू ए टू, 2 5 10, 1/5 आया इक्वल टू ए टू 0.2 सर, या एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 11 माइनस 5 6/5 आएगा, तो 5 1 5 5 2 10, यानी कि जो अनदर साइड होगी वो होगी 1.2, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि
जो पेंटागन है, पेंटागन के एंगल का सम क्या होता है? सबसे पहले एंगल का सम, तभी हम रेशियो वाले क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे, जब तक सम नहीं होगा। अभी अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है, अब हमारे पास तभी हमें सम मिलेगा पेंटागन का। पेंटागन में फाइव साइड होती है, तो फाइव माइनस टू इंटू 180 विच इज एस, यानी कि 3 × 180 कितना हो गया 540, यानी कि हमें एस मिल गया 540। अब हमें कभी भी कोई भी निकालना हो रेशो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो का सम कर लेंगे। ठीक है, हमें बताना है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि हमें निकालना है सिर्फ वन, सबसे स्मॉल वन है, तो वन डिवाइड बाय इन सब का सम कर दो, 9 × 1 = 10, 5 × 3 = 8 = 10, ये हुआ 20 × 540। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हुआ ये 27 पर कट, यानी कि हमें मिल गया सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 27 डिग्री, ऑप्शन 4 इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स बाय में दिस इज दिस वैल्यू, एक्स की क्या होगी वो, तो एक्स बाय में अंडर रूट 1.96 इक्वल टू 400 है, तो एक्स क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 14, रूट से बाहर आया, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यानी कि डिवाइड बाय 100 होना था, वो रूट से बाहर आया, तो हुआ 10। 0 से 0 कैंसिल, 14 4 56, 560 इसका रहेगा आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, हमने लिख लिया ए का काम 1/4, ठीक है, जितना भी 4 आवर्स है, सॉरी, तो 1/4 डेज हो, आवर हो, उसको रेसिप्रोकल 1/ करके कर दो। बी एंड सी, एंड मतलब दोनों मिलकर, डू टुगेदर दिस वर्क इन 3 आवर, यानी कि 1/3। ए एंड सी मतलब ए प्लस सी, डू टुगेदर इन 2 आवर, यानी कि 1/2। इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट अलोन, बी का अकेले का निकालना है, बी अकेले निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ बी है उसको ले लो, बी प्लस सी, ए को भी अकेले को ले लो और माइनस कर देंगे ए प्लस सी वाले को, ए प्लस सी वाले को माइनस कर देंगे, तो ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल होके बी बचेगा, बी प्लस सी है 1/3, ए है 1/4, ए प्लस सी है 1/2, इसको सोल्व कर दो, एलसीएम होएगा 12, 4 + 3 - 6 विच इज 1/12, यानी कि 12 डेज आवर्स जो है इसका करेक्ट आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केयर रूट ऑफ दिस, इसका स्केयर रूट निकालना है 14 - 6√5, इसका स्केयर रूट निकालने के लिए इसको इक्वल रख देंगे ए प्लस अंडर रूट बी से, ठीक है, यानी कि ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्केयर के इक्वल होगा ये, इसका स्केयर रूट किसके इक्वल होएगा, ए प्लस अंडर रूट बी के होल स्केयर के, बस इसको ओपन कर दो, 14 - 6√5 इक्वल टू ए स्केयर प्लस रूट बी का स्केयर बी प्लस में 2a√b। अब इक्वेट करो रूट वाले को, रूट वाला इक्वेट होएगा -k√6√5 इक्वल किसके है 2a√b, मतलब रूट वाला रूट में इक्वेट हुआ, b हुआ 5 और बिना रूट वाला क्या है 2a = -6, a की वैल्यू आ गई -k√3, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या मिला, a प्लस रूट बी का होना था, तो a प्लस रूट बी आंसर होएगा, a है -3 और रूट बी मतलब 5, ठीक है, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 - √5, यानी कि इसको प्लस माइनस का दोनों को मिला के लिख सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है फॉर विच स्टूडेंट्स प्रोमोटिव प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड इन द मैथमेटिकल टीचिंग मेथड्स, कौन से स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है प्रोमोटिव, प्रोमोटिव मतलब संवर्धनकारी कार्यक्रम, तो बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है ऐसे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है, सीधी सी बात है, जो डी है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 12, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 12, कितने होंगे
इसके लिए सबसे लास्ट भी निकालना पड़ेगा। लास्ट होता है 100, लेकिन 100 से पहले टू डिजिट का जो होता है 99, यानी कि nth जो होएगा लास्ट वो होएगा 99, जो 3 से डिविजिबल होगा। बस फॉर्मूला लगाओ an का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये कितना है 99, a की वैल्यू 12, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 99। एन माइनस वन इंटू 3, 99 माइनस में 12 करेंगे कितना होगा 87, और फिर n की वैल्यू कितनी आ गई 87 बाय 3 प्लस 1, यानी कि 3 टू 6 9, कितने हो गए 30, यानी कि ऑप्शन 2 इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। रूट क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें वो बताना है। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, वैल्यू पुट कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्र माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ये पता है कि अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा हुए तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होएगा माइनस के बी बाय ए, यानी कि बी कितना हुआ टू रूट सिक्स बाय ए थ्री, यानी कि ये होएगा हमारे पास टू, और सॉरी ये टू तो कैंसिल नहीं होगा, जो थ्री है उसको दो बार लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसको कैंसिल करेंगे ये रूट टू बनेगा, तो ये बन गया हमारे पास टू रूट टू बाय में रूट थ्री, ठीक है। और एक होगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है सी बाय ए, यानी कि टू बाय थ्री। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा उठाऊँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर रूट टू बाय में रूट थ्री प्लस रूट टू बाय में रूट थ्री कितना होएगा टू रूट टू बाय रूट थ्री। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब मल्टीप्लाई वाली देखो, रूट टू बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट टू बाय रूट थ्री, तो ये कितना हुआ टू बाय थ्री, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। और पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई नहीं करेगी, वन ही करेगा, तो हम इसको ऐसे करके भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके फैक्टर बनाएं या फिर हम वैल्यू जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, इतना लंबा फॉर्मूला रख के वैल्यू को पुट कर करके देखे सॉल्व करें जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। तो रेशियो ऑफ साइड, पहले के जो साइड है वो एस वन मानो, दूसरे की साइड एस टू मानो, तो रेशियो ऑफ साइड क्या है 1:2 है। यानी कि अगर मैं पहले की साइड एक्स मानूं, यानी कि एस वन हो जाएगा एक्स और एस टू कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। सो कह रही है कि द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3। इंटीरियर एंगल का रेशियो, अच्छा इंटीरियर एंगल निकलते कैसे हैं, एन इंटू एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू इंटू 180 बाई में एन होते हैं। पहले का जो है एन मतलब एक टाइप से जो एस वन है, ठीक है, एन हमारे पास एस वन है। मैं एक काम करती हूँ, ये एस वन ना मान के इसे मैं ले लेती हूँ एन वन और एन टू, ठीक है। तो साइड को हम एन कहते हैं, तो एन वन एन वन, तो एन वन और एन टू हमारे पास वैल्यू है। ये कह रहे हैं कि एंगल, ईच एंगल हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और एन टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय एन टू, तो ये रेशो, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, इनका रेशो कितना 2:3। देखो 180 से तो 180 कैंसिल हो गया। अब जो एन है, एन वन एज इट इज़ रख देंगे, जो एन टू है एन टू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एन वन की जगह मैं यही कि यही एक्स ही पुट कर देती हूँ, या एक्स आ जाएगा एन वन की जगह, और एन टू की जगह आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x, ठीक है, या वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स, और यहाँ हो जाएगा नीचे एक्स, और यहाँ आ गया 2x माइनस टू, और यहाँ 2x। देखो 2x माइनस टू से मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा x माइनस वन, और ये 2 से 2 हुआ कैंसिल। अब ये वाला x इस x से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, बचा हमारे पास क्या x माइनस टू बचा डिवाइड बाय x माइनस वन बचा इक्वल टू 2:3। इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, ये हम कर देंगे सोल्व। तो हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिला 3x माइनस सिक्स इक्वल टू 2x माइनस टू।
टू एक्स यहाँ के माइनस होएगा, x इक्वल टू ये यहाँ के प्लस होएगा 4, यानी कि हमें मिल गया 4। क्या पूछे इन्होंने, द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर x 4 आया तो पहली साइड ये हुई और दूसरा क्या है 2x, 2x कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8, यानी कि ऑप्शन 1 इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर आर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज कवर्ड इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। देखो पहले हमारे पास एक रोड है, ठीक है, इसकी डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, लेंथ है 8, इसको जो कि है कन्वर्ट कर दिया एक वायर में, यानी कि एक पतली सी वायर बना दी है जिसकी लेंथ तो है 18, लेंथ कितनी है 18, ये कह रहे हैं थिकनेस निकालो, थिकनेस का मतलब ये डायमीटर निकालने के लिए कह रहे हैं, और इसकी हम रेडियस मान लेते हैं आर, क्या होएगा इसमें कन्वर्ट किया है मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, यानी कि पाई आर वन, इसको आर वन कह देंगे, आर वन स्केयर एच वन इक्वल होगा पाई आर टू स्केयर एच टू, तो पाई से पाई तो हुआ कैंसिल, आर वन हुआ 1/2 का स्केयर 1/4, एच वन हुआ 8, यहाँ आर टू का स्केयर और एच टू हुआ 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 18 है ये यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हुआ तो हमें क्या मिला, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि हमारे पास स्केयर रूट चाहिए ऑप्शन में क्या है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पर 18 मीटर दिया हुआ है और क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो मतलब 200 आया, हमें मिला 200 बाई 18 इक्वल टू आर स्केयर मिला, इसको हम कैंसिल करेंगे 9, ये 100 बाई 9 आया, इसका जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा रूट वहाँ जाके ये बन गया 10 बाई 9, क्या आया आर। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे ये आएगा 3 3 9.33 चलेगा। ठीक है, ये तो आई हमारे पास रेडियस, लेकिन हमें चाहिए डायमीटर, डायमीटर करेंगे तो 6.66, यानी कि इसका ट्वाइस करेंगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 into r, इसके 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास डायमीटर आया, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या है, ऑप्शन ए, ए क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x बतानी है, इसको सॉल्व करके, सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये देखेंगे, 3 into x - 5/4 -4x इक्वल टू 3 - x - 3/2। वैल्यू को हमें x बतानी है क्या होगी, देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 3x माइनस में 15 आएगा और 4 किया मल्टीप्लाई 16x/4 इक्वल टू, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 2 LCM 6 - x + 3, तो इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ से 2 2 4 गया एंड 16 - 3 माइनस के 13x - 15 इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 9 हुआ, ये हो गया सीधा 18 -2x, फिर ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 33, ये 33 प्लस का, ये यहाँ पर आके माइनस का 11x हो जाएगा, x की वैल्यू -3, ऑप्शन 4 करेक्ट। ऑल साइंस एजुकेशन विद विच डजंट कमेंस विद मैथमेटिक्स इज इनवेरिएबली डिफेक्टिव एट इट्स फाउंडेशन, ये किसने कही है, ये किसने कही है, ऑप्शन है रोजर बैकन हॉकबेन हर्बर्ट और लॉन्ग बैक कोमटे, किसने कही है ये, लॉन्ग बैक
कॉम्प्टे ने। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन हैज फैक्टर, एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू या तो होएगी हमारे पास 1 या होएगी एक्स इक्वल टू माइनस के 5, क्योंकि इनको 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आती है, माइनस 5 आती है। एक बार देखते हैं कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। 1 ने सेटिस्फाई किया तो ठीक, नहीं तो माइनस 1 पे ट्राई करेंगे। तो इनमें से वैल्यू पुट करके देख लेना, जो इसको वैल्यू पुट करने पे 0 आंसर दे वो उसका आंसर हुआ, अदरवाइज इनमें से कोई एक, यानी कि अगर 1 ने सेटिस्फाई किया तो माइनस 1 को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस 1 पुट करके देखना और x इक्वल टू 5, और अगर इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करना और इसमें तीनों पे, तो कोई भी एक इसका आंसर बनेगा, ये डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, 1/√3 क्या होगा। 1/√3 है इसका रैशनलाइजेशन कर दो, √3/3, तो ये हो गया √3/3। रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.35/15, यानी कि 5 से स्टार्ट होने वाला फोर्थ है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हुआ। यहाँ पर हमारी PYQ 2022 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही PYQ सीरीज के लिए वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।